छत्तीसगढ़ से खबर, जहां ग्रुप डी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, कर्मचारियों को 5 महीने से नहीं मिला है वेतन। तो प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, ज्वाइनिंग के बाद से ही नहीं मिला वेतन। एक्स सर्विसमैन कोटे के कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। प्रदेश भर में करीब 2600 कर्मचारियों को मिली है नियुक्ति। तो ग्रुप डी के कर्मचारियों का प्रदर्शन, कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है, जहां ज्वाइनिंग के बाद से ही नहीं मिला वेतन। 2024 वाली भर्ती में हमने रोहतक कमिश्नरी के अंदर ज्वाइन किया था 10 मार्च को। उसके बाद हमने टिल डेट तक हम काम कर रहे हैं, हमें कोई भी पैसा नहीं मिला है सैलरी के रूप में, या इलेक्शंस की जो सैलरी थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से काम किया था वो भी नहीं मिला है। हमारा जो काम है सर, हम बाल बच्चे वाले हैं, घर से आ रहे हैं, डेली जा रहे हैं, कोई वो नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 100 करोड़ का बजट पास हुआ था, लेकिन बजट के अंदर एक लाइन लिखी गई थी स्पोर्ट्स पर्सन एंड एक्स सर्विसमैन को सैलरी ना दी जाए, वो मेंशन है। उसी के कारण कोई भी डिवीजन हमें कोई पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में बात होने के बाद हमें पता चला है कि एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स कोटे की वेरिफिकेशन नहीं हुई है। हमारी 10 मार्च 2024 को ज्वाइनिंग हुई थी कमिश्नर रोहतक में, और टिल डेट तक हमारे को, हम डेली वी आर कंट्रीब्यूटेड वेरी इंटरेस्टली लॉयल्टी इन ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन, और अभी विधानसभा में हम कंटिन्यूस लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, और अब तक हमारे को एक भी पैसे की पेमेंट नहीं हुई है।